हनुमान चौराहे पर प्रतीक्षालय न होने के चलते यात्री हो रहे परेशान। बता दें कि हनुमान चौराहे से म्याना, नई सराय, अशोकनगर, इसगढ़ आदि के लिए बसें मिलती हैं, लेकिन यहां प्रशासन के अनदेखी के चलते लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस तेज गर्मी में यात्री धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। पहले ही जिला प्रशासन रोड बनाने के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया था, लेकिन नए पेड़ न लगवाए गए। शासन खुद पेड़ लगाने के लिए नसीहत देता है, इन पेड़ों को काटे जाने का अंजाम यात्रियों को झेलना पड़ता है। आखिर कब आम जनता की फिक्र करेगा जिला प्रशासन। लेकिन सवाल यह उठता है कि गुना शहर में बस स्टैंड के नाम पर केवल जज्जी में ही यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, तो फिर हनुमान चौराहे से क्यों प्रतीक्षालय को तोड़ा गया? जनता वो जितने भी यात्री होते हैं हनुमान चौराहे पे, ये धूप में खड़े हो रहे हैं। तो करीबन कितने दिनों से ये चल रहा है? इधर प्रतीक्षालय नहीं है हनुमान चौराहे से। एक ऐसी प्रतीक्षालय थी यहाँ पर, यात्री शाम आकर बैठे। रोटी क्लब की भी है, नगर पालिका की। अब दोनों हट गई, तो आगे बनने का है इनका? बनने का तो आपके हफ्ते में लगता है, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। आपका रोजाना जाना होता है इस रोड से?